नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, मेट्रो डेथ स्ट्रीम। इसके ऊपर बहुत क्वेरीज आ रही हैं। मोस्टली वो लोग ज़्यादा क्वेरीज कर रहे हैं जो फिटनेस से जुड़े हुए हैं। और आज के समय में मेट्रो डेथ स्ट्रीम एक इस तरह का टॉपिक बन गया है कि सभी लोग जानना चाहते हैं मेट्रो डेथ स्ट्रीम के बारे में। और सबको लगता है कि हमें जानना चाहिए कि क्या ये सेफ है हमारी सेहत के लिए या फिर नहीं। तो आज इसी के बारे में मैं बात करूँगी कि मेट्रोडेक्सिन है क्या। देखिए, जो मेट्रोडेक्सिन है वो एक, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट से भी जानते हैं, ठीक है, जो एनर्जी देने का कार्य करता है, तो एनर्जी गिविंग फूड हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो मेट्रोडेक्सिन इज ऑल्सो द कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट दो तरह का होता है, एक सिंपल एंड दूसरा जो होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, तो इसलिए मेट्रोडेक्सिन को हम कहते हैं कि फास्ट डाइजेशन इसका होता है, कि बहुत जल्दी पचता है ये। जब हम इसको कंज्यूम करते हैं उसके इंस्टेंटली ये बहुत जल्दी से पचना शुरू हो जाता है। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थोड़ा लेट स्लो उसका डाइजेशन होता है। तो मेट्रोडेक्सिन फास्ट डाइजेशन है, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं वो फास्ट नहीं होते हैं, स्लो डाइजेशन उनका होता है, यानी कि कंज्यूम करने के बाद में धीरे धीरे वो पचना स्टार्ट होते हैं हमारी बॉडी में। तो प्लांट बेस्ड है ये। प्लांट बेस्ड क्या है इसको समझते हैं। प्लांट बेस्ड होता है जो हमें हमारे फूड से मिलता है, जो प्लांट बेस्ड फूड होते हैं, जैसे वीट हम ले रहे हैं, वीट यानी कि रोटी जो हम खाते हैं, वीट से जो बनी हुई रोटी हम खा रहे हैं, और वो उसमें मेट्रोडेक्सिन होता है। इनके वीट में मेट्रोडेक्सिन मिलता है, कॉर्न में मेट्रोडेक्सिन मिलता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं हम अपनी डाइट में भी मेट्रोडेक्सिन कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये सेफ है या नहीं है, तो देखिए एक लिमिट है। FDA ने कहा है कि मेट्रोडेक्सिन सेफ है अगर आप इसको लिमिट में लेंगे, और अगर आप इसको लिमिट से बाहर कर देंगे या लिमिट लेना शुरू कर देंगे तो फिर ये आपकी हेल्थ के लिए सेफ नहीं है। तो जितना हमें चाहिए मेट्रोडेक्सिन वो हम डेली डाइट से ले रहे हैं, तो हमें एक्स्ट्रा लेने की जो आवश्यकता है वो नहीं है, तो हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है, ठीक है। हमें अलग से कोई सप्लीमेंट इसका नहीं लेना है। और अगर फूड में इस तरह का मेट्रोडेक्सिन का कोई प्रोडक्ट आपके पास में है तो मैं यही कहूँगी कि मेट्रोडेक्सिन फ्री कोई भी अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो मेट्रोडेक्सिन फ्री लीजिएगा। वैसे जो मेट्रोडेक्सिन है वो अधिकतर किसमें होता है, जो जिम प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे वे प्रोटीन है, कॉन्सेंट्रेट है, आइसोलेट है एंड हाइड्रोलाइज है। इसकी मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, आप अगर जानना चाहते हैं कि ये वे प्रोटीन, आइसोलेट, हाइड्रोलेट एंड कॉन्सेंट्रेट क्या है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा, अब आगे चलते हैं। तो जो वे प्रोटीन है कॉन्सेंट्रेट, उसमें अधिकतर आपको देखने को मिलेगा मेट्रोडेक्सिन। और जो आप इंग्रेडिएंट देखेंगे, जो सप्लीमेंट में इंग्रेडिएंट लिखा होता है, तो इंग्रेडिएंट में होता है मेट्रोडेक्सिन। कभी भी आपको नहीं कोई कंपनी बताएगी कि मेट्रोडेक्सिन कितना उसमें डला हुआ है, केवल इंग्रेडिएंट में लिखा होता है कि मेट्रोडेक्सिन है। ये एक फिलर का काम करता है एंड स्वीटनर का काम करता है, और केवल वे प्रोटीन के सप्लीमेंट में ही नहीं, जितने भी आपके मार्केट में जूसेस हैं और बिस्किट्स हैं, केक हैं, इन सब में फिलर के लिए मेट्रोडेक्सिन का यूज़ होता है। वाइट कलर का जो पाउडर होता है, जैसे शुगर का पाउडर होता है, चीनी पाउडर होता है, उसी बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है मेट्रोडेक्सिन। और थोड़ा कॉस्ट इसकी बहुत कम होती है, इसलिए कंपनी इसका यूज़ करती है ताकि फिलर के लिए इसको उपयोग किया जा सके। मीठा भी होता है, स्वीटनेस भी देता है और फिलर भी करता है, राइट। तो इसके अब जान लेते हैं कि इसकी जो कैलोरी है कितनी देता है अगर कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट आप ये देखिए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी देता है। तो मेट्रोडेक्सिन इज ऑल्सो द कार्बोहाइड्रेट, तो वो भी 1 ग्राम मेट्रोडेक्सिन आपको 4 किलो कैलोरी देगा। बेस्ट की आपको बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करना है अपने किसी भी प्रोडक्ट में,
और आप जो डाइट ले रहे हैं उससे जो कंज्यूम कर रहे हैं डेली डाइट उसमें ये मेट्रोडक्सिन कंप्लीट होता है राइट। अब बात करते हैं किस किस को ये नहीं लेना चाहिए। देखिए मेट्रोडक्सिन जो है तो डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और जो हाई बीपी वाले पेशेंट हैं ब्लड प्रेशर इनका हाई होता है उनको नहीं लेना है, और जो स्पेशली जो वेट लूज़ करना चाहते हैं उनको नहीं करना है, यानी कि वेट लॉस जो कर रहे हैं उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है। वेट लॉस नहीं होगा अगर आप वजन कम बिल्कुल नहीं होगा अगर आप मेट्रोडक्सिन ले रहे हैं, क्योंकि इसका GI नंबर जो है वो हाई होता है। अब GI नंबर क्या है ये अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से फूड है जिनका GI नंबर कम होता है और जिनका GI नंबर हाई होता है। तो GI होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो मेट्रोडक्सिन है उसका 108 से 110 है, ठीक है, कितना हाई GI नंबर है। और तो इसको अगर कोई भी डायबिटिक पेशेंट लेगा तो इसका जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड का वो एकदम इंक्रीज हो जाएगा, तो स्ट्रोक होने की संभावना बिल्कुल बन जाती है। तो इसलिए जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं वो मेट्रोडक्सिन का बिल्कुल यूज़ नहीं करें, बीपी वाले पेशेंट ना करें, और जो वजन कम करना चाहते हैं वो भी इसका प्रयोग ना करें। और बिल्कुल जो सिंपल लोग हैं जो जिनको कोई भी डायबिटिक या बीपी नहीं है, जो वजन कम नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो लोग मेट्रोडक्सिन ले सकते हैं। बट मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप डाइट से जितना चाहिए आप ले रहे हैं, डाइट के थ्रू जा रहा है मेट्रोडक्सिन, आपको अलग से किसी भी सप्लीमेंट में मेट्रोडक्सिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं मार्केट का पैक्ड फूड है जो यूज़ कर रहे हैं आप वो देखिए, और जो भी अगर प्रोटीन अलग से प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं चाहे वो कोई भी फिटनेस से जुड़े हुए हैं या ऐसे आप घर में अपने फिटनेस से जुड़े हुए हैं घर में आप कोई प्रोटीन शेक ले रहे हैं तो उसमें आप देखिएगा कि मेट्रोडक्सिन है या नहीं है। अगर है तो मैं कहूँगी कि थोड़ा अवॉइड कीजिए, और आप मेट्रोडक्सिन फ्री बहुत सारे प्रोटीन शेक भी मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट हैं फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मेट्रोडक्सिन फ्री होते हैं, मेट्रोडक्सिन का यूज़ नहीं किया जाता है। तो मैं कहूँगी कि आप मेट्रोडक्सिन फ्री प्रोडक्ट यूज़ करें, और जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स है वो भी मेट्रोडक्सिन फ्री लें, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको इंग्रेडिएंट में नहीं बताती है कि कौन सा जिसमें मेट्रोडक्सिन कितनी मात्रा में डला हुआ है। लेकिन कोई भी कंपनी जो जैसे अगर 30 ग्राम का स्कूप स्पेशली उनके लिए है जो जिमर्स हैं, जो 30 ग्राम का स्कूप होता है 33 ग्राम का स्कूप होता है, तो उसमें आपको 1 किलो का शायद 2 किलो का बॉक्स होगा। आप आपके घर में अगर हो तो आप देखिएगा कि इसमें अगर 30 ग्राम का स्कूप है तो 12 ग्राम के आसपास या 13 ग्राम के आसपास में मेट्रोडक्सिन होता है, तो इसलिए थोड़ा सेफ है। लेकिन हम कह नहीं सकते कि कितना डला हुआ क्योंकि उसमें नहीं लिखी हुई है मात्रा, तो इसलिए मेट्रोडक्सिन फ्री ही प्रोडक्ट आप यूज़ करें राइट। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से कि मेट्रोडक्सिन हमें क्यों यूज़ नहीं करना है राइट। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।